नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है जो सवर्णों के लिए और गरीब मुसलमान जो समान वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा फैसला ये हो सकता है। इसके मुताबिक 10% आरक्षण अब मिलेंगे सवर्णों को और गरीब मुसलमानों को भी जो अपर कास्ट के हैं। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और आप देख रहे हैं rebelinvoice.com। मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर तबके को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। केंद्र कैबिनेट के इस फैसले में धर्म की अड़चन नहीं रखी गई है, यानी सामान्य श्रेणी में आने वाले देश के हर गरीब नागरिक को इस व्यवस्था में लाभ मिलेगा। उसमें हिंदू से लेकर मुसलमान और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने सोमवार को जो फैसला लिया है उसमें आरक्षण की मंजूरी व्यवस्था का फायदा पाने वाले किसी भी जाति वर्ग को इसका लाभ नहीं मिलेगा, यानी ओबीसी या SC ST आरक्षण का जो लोग फायदा उठा रहे हैं वो नई व्यवस्था में शामिल नहीं किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अपने फैसलों को धर्म से परे रखते हुए हर संप्रदाय के सामान्य श्रेणी वाले गरीब को आरक्षण के लाभ पहुंचाने का फैसला लिया है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि किन किन लोगों को इससे फायदा हो सकता है। अगर कोई मुसलमान सामान्य श्रेणी में आता है और वह आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे भी 10% आरक्षण का फायदा मिलेगा। इसके अलावा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों को सामान्य श्रेणी वाले गरीबों को भी आरक्षण दिया जाएगा, जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो, जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम की खेती की जमीन हो, जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो, जिसके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूची जमीन हो, जिसके पास 209 गज से कम की निगम की गैर अधिसूचित जमीन हो, जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे, तो इन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। बता दें कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति यानी SC को 15%, अनुसूचित जाति ST को 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को 27% आरक्षण दिया जाता है, यानी कुल 49.5% आरक्षण की व्यवस्था अभी लागू है। अब सरकार ने इससे अलग सामान्य श्रेणी वाले गरीबों को 10% आरक्षण का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार संविधान में संशोधन करने जा रही है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपकी कोई सुझाव हो तो हमें अपनी सुझाव भी ज़रूर दें। आप अपने सुझाव हमें हमारे मेल बॉक्स भेज सकते हैं rebelinvoicenews@gmail.com। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।